अगर आप लाल किला नहीं आए ना, आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, आपने जिंदगी अपनी ऐसी तैसी कर ली बैठ कर, क्योंकि आपने लाल किला नहीं देखा। अगर आप रेड फोर्ट आने वाले हैं तो भांजे भांजे की संगमत आई है, सेटिंग के संग आई है चैटिंग करने के लिए। सर आप कहाँ से आए हैं? और ये भाई अच्छा थीम दे रखा है आपको, वीडियो में तो बड़ा लगेगा पर ये छोटा सा पार्ट है इसको। दीदी को ऐसे भी संस्कार नहीं करने थे, बिल्कुल ही चिपट जाओ उस पे चिमटी की तरह। ओ भैया हम ये आपको दिल्ली हाइट्स कैफे का एक बार ही आपको सिटिंग एरिया दिखा देते हैं इसका, ये पूरा जब इसका है पिंक हो सकता है तो मगर वह चिल्ली और व्हाइट तो नहीं हो सकता भाई। मैडम आप कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका। ये पांडापुर से है, युगांडापुर से है। रेड फोर्ट बनवाया किसने? बनवाया तो इंडिया का पैसा लगा था। ये रेड फोर्ट व्हाइट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? रेड फोर्ट की करंट स्टेटस बता देता हूँ, ये जो रेड फोर्ट है ये पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर आता था। अब तो भाई जब किसी को पहले पुराने जमाने में उसका प्यार नहीं मिलता था तो वो लड़की और लड़का इस कुएं में आके खूंद के सुसाइड कर लेते थे। यू है सेटिंग की निशानियाँ सेटिंग किसी। अच्छा राहुल भी है। ओ ब्रो 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 व्हाट। अच्छा देखे तेरे अम्मा बाबा का नाम तो नहीं लिखा। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मामा, मैं भांजा और मैं भांजी और हम तीनों आए हैं रेड फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। हम जा किला। मुझे लगा लाल किला पीला होता पर ये तो लाल किला। तो हम जा रहे हैं आज रेड फोर्ट घूमने के लिए। इन दोनों ने तुमने देखा है? नहीं नहीं इसने भी नहीं देखा और चानू ने भी देखा बट मैंने देख रखा है। तो भाई हम आ चुके हैं अपने देश के 140 करोड़ वाले आबादी के साथ रेड फोर्ट और हम देख रहे हैं, देखे भीड़ देखे क्या कचर मची पड़ी है यहाँ पे चारों तरफ भीड़। भाई पता चलता है 140 करोड़ आबादी है इंडिया की प्रॉपर, ऐसा ही नहीं है। देख रहे कितने आए हुए यहाँ पे। तो भाई गोरों को घेर लिया लोगों ने। भाई ये है अपने भारत की शान और गरिमा रेड फोर्ट, जहाँ पे हर साल 15 अगस्त पे अपने भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और इतिहास इसका बहुत पुराना है। आप देखोगे तो मतलब कि यहाँ से आजादी की जंग लड़ी गई, आज भी यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो रामलीला मैदान में यानी कि रेड फोर्ट के पास ही किया जाता है। तो भाई यहाँ पे देखिए फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं लोग, ये फोटोग्राफर और ये टूरिस्ट और गोरे तो बहुत ही आए हुए यहाँ पे घूमने के लिए। भैया इसका टिकट कहाँ से मिलता है? उस साइड से एंट्री भी वहीं से। तो भाई अब हम टिकट लेते हैं और एंट्री करते हैं। भाई देखिए गोरे और इनके संग इंडिया इंडियंस बड़े खुश होके फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, सबके दिन बच जाते हैं। तो भाई इंडिया यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग कैन हैपन इन इंडिया। तो भाई यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं इंक्लूडिंग अस। तो भाई आप अगर इस ऐतिहासिक स्थल का पार्ट नहीं बने अभी तक तो आइए, मैं इसका टिकट का प्राइस बता देता हूँ आपको एक बारी। जो इसका प्राइस है वो है ओनली मोनूमेंट्स का है 50 रुपीज़ कैश में और कैशलेस है 35, स्मारक का है 80 और 56 और ये है इंटरनेशनल कुछ। तो भाई रेड फोर्ट की अपनी हाई पाइक अब रजत लेने गए टिकट और हम वेट करते हैं टिकट का, टिकट आ जाएगी फटाफट से चलते हैं रेड फोर्ट के अंदर। यहाँ पर चल रहा है भाई आर्ट एंड एग्जीबिशन। तो भाई टिकट पे लग रहे हैं यहाँ पे बहुत भीड़ और ऑनलाइन हमने चेक करी तो हमें ऑनलाइन टिकट नहीं मिली यहाँ पे। अगर वो हिमायू टॉम वगैरह तो उसकी ऑनलाइन आ जाती है, चिड़ियाघर के भी ऑनलाइन आती है बट यहाँ पे हमें ऑनलाइन नहीं मिली तो अब यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें टिकट के लिए। तो शानू लगे हुए लाइन में, वो टिकट लेने वाली है थोड़ी देर में। पहले हमें परेशानी हो रही थी, हमने फटाफट से शानू को घुसेड़ दिया, मैंने कहा शानू लेकर आ, मैंने एक अंकल को बोला पता नहीं कितने मीन से लोग होते जा रहे हैं, दिल्ली के लोग तो यार अच्छे होते हैं, अगर अपन यहाँ के होते हैं तो हम तो भाई हेल्प कर देते हैं, अगर हमसे कोई बोलता है टिकट ले लो हमारे लिए तो हम ले लेते हैं बट यहाँ पे तो अलग ही सीन है भाई बाहर के लोग। भाई यहाँ पर आप टिकट दिखाते हैं इनको भैया को तीन लोगों की और फटाफट से घुस। हाँ भैया तीन है, तीन पता नहीं। तो भाई अब हम फाइनली टिकट चेक करा के अपने एंट्री कर चुके हैं अंदर की साइड। भीड़ देखो तुम संडे का क्या मौज ले रहे हैं लोग, इधर ये लग रहा है मेला, इसमें जाएंगे शाम के टाइम। तो भाई यहाँ से हमने एंट्री करा ली और अपना सामान वगैरह चेक करा के अब निकल रहे हैं यहाँ से रेड फोर्ट की साइड। और शीनू शालू शीनू नहीं है, शीनू भाई घूम रही है अपना वैष्णो देवी फीमेल पार्टी में और मंडली में घूम रही है। भाई रजत अब इसमें छलांग लगाएगा और लाल किले में लगाएगा सेंध, पहले यहाँ पे पानी। हाँ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिलती थे। हमारे पास दो मगरमच्छ हैं दोनों, तो क्या हो गया हमारा मगरमच्छ तो ब्लैक एंड ब्लू और व्हाइट भी हो सकता है,
जब स्काई पिंक हो सकता है तो मगरमच्छ ब्लू और व्हाइट तो नहीं हो सकता भाई। यूनिक मगरमच्छ। हाँ तो भाई आप देखिए क्या सूरज हो रहा है, तपिश एकदम बहुत तेज हो रही है भाई। तो इस भाई से भाई हमने अपने फोटो क्लिक करा लिए हैं और हम चल रहे हैं रेड फोर्ट देखने के लिए अंदर। मैंने तो देख रखा है भाई कौन सा भी है, कौन सा बुलंद दरवाजे, कौन सा कुछ है, जो भी अभी हम बताएंगे। तो भाई ये है इसकी एंट्रेंस। तो भाई जैसे हम रेड फोर्ट के अंदर घुस रहे हैं हमें लग रहा है हम किसी पुरानी दुनिया में आ गए हैं, बट लोग नए हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। और ये यहाँ का बाजार जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली में मीना बाजार। तो ये है भाई लाल किले का मीना बाजार, अब हम इसमें घुसेंगे। कौन बैठता होगा यहाँ पे पता नहीं, दरवाजा बंद है, दरबार बैठता था पहले। अब खिड़की तो बंद है, अब कर दिया ना, अब कर दिया, ये भी खिड़की बंद है, वो भी। तो भाई इसके अंदर हम जैसे घुस रहे हैं ना हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी हिस्टोरिकल पुरानी दुनिया में आ गए हैं, और पुरानी दुनिया जैसी वाइब्स आ रही है। कपड़े नए नए पैक में तुमको बेचे चीज पुरानी, फिर भी यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी कितनी ज्वेलरी। सर आप कहाँ से आए हैं? I'm from Uganda. ये भाई युगांडा से आया सर हमारे। युगांडा से भाई, युगांडा। मैडम आप कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका। ये पांडापुर से, वो युगांडापुर से। पांडा तैयार होकर आना चाह रहा था पर आ नहीं पाया हमारा पांडा। तो भाई आप भीड़ देखिए रेड फोर्ट के अंदर, क्या भीड़ हो रही है, मस्त वाले एकदम कचर। कुछ खाएंगे थोड़ा फिर एक्सप्लोर करेंगे। अभी देखते हैं भाई जहाँ पे कौन रहता था पहले, तो ये लाल रेड फोर्ट बनवाया किसने आज तुम्हारे जी के चक्कर में? तूने तो तुमने नहीं बनवाया। और क्या, तो भाई बनवाया था, इंडिया का पैसा लगा था। अच्छा द डंबेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। तो भाई मैंने इनसे अभी प्रश्न करा कि रेड फोर्ट बनवाया किसने, तो कह रहे हैं किसी ने बनवाया हो, हमने नहीं बनवाया लेकिन इंडिया का पैसा लगा था। तो ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर है, आप भी किसी से पूछ सकते हैं। तो भाई संडे में चल रहा है यहाँ पे महा भीड़ हो रही है भाई, महा भीड़। ये रेड फोर्ट व्हाइट क्यों करते जा रहे हैं? हाँ भैया रेड फोर्ट तो व्हाइट था ये। अरे खुद गाइड बन जाते हैं हम, सफर हम तो खुद ही गाइड हैं। हम ये बता रेड फोर्ट रेड था ये व्हाइट कैसे कर दिया इन्होंने इसका? ये ओ भाई ये है नौबत खाना, और इस नौबत खाने के ये एंट्रेंस है यहाँ की। यहाँ फोटोग्राफर सर्टिफाइड फोटोग्राफर, इनका पेज भी है फोटोग्राफी का, ये मोबाइल से ही फोटोग्राफी करते हैं उसमें। तो भाई ये है नौबत खाना, यानी कि यहाँ पे नगाड़े वगैरह बजते, तो ये इसका रेड फोर्ट का प्रवेश द्वार है जहाँ पे। और ये इसके वो देखें ना, वो देखें नकाशिया। अच्छा रेड फोर्ट की करंट स्टेटस बता देता हूँ, ये जो रेड फोर्ट है ये पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर आता था, अभी भी आता है आर्कियोलॉजिकल के अंदर, बट ये इसको लीज पे दे दिया गया 5 साल के लिए डालिमिया एक बिजनेसमैन है उसको, नहीं डालिमिया को, डालिमिया को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीज पे दिया है, 5 ईयर की लीज है, और पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रॉपर अंडर था, बट जब से लीज पे गया तो भाई ये चल भी बहुत रहा है। आई डोंट नो व्हाई बिजनेस ट्रिक्स इंडिया को नहीं आते उनका जा। हाँ और भाई मैं ये देख रहा हूँ इसको पहले से बेहतर कर दिया गया है, पहले ये बिगाड़ था। तो भाई अगर आप भी एक बिजनेस मैन है तो आप भी इसको लीज पे ले सकते हैं। सोच रहा था हम गाइड हायर कर ले, यानी कि गाइड यहाँ पे जिंदा गाइड खड़े हैं। कह रहा मैं गाइड हूँ, मैं युगांडा से आया हूँ, गाइड हूँ, ये करेगा मैं गाइड। ये देखो वहाँ बैठता था, वहाँ बैठता था वहाँ पे लौंडा वो। तो भाई ये जो परिसर है इसको बोलते हैं दीवाने आम, और दीवाने आम में लोगों का इंसाफ मिलता था, नॉर्मल लोग जाते थे शाहजहाँ के पास, उनसे पुकार लगाते थे और उनको यहाँ पर इंसाफ दिया जाता था, और वो शाहजहाँ का गद्दी थी जिस पे वो बैठता था। और ये मेरा भैया है, और जो इसका लास्ट वो था बहादुर शाह जफर। तो इतिहास इसका कुछ इस तरह का है, ये इसको अब कवर कर दिया गया है, बट जब हम पहले आते थे तो ये पूरा इसको वहाँ पे जाके टच कर सकते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो पहले भाई इसके ऊपर चढ़ भी आते थे, बैठते भी थे, अब इसको पूरा मिरर ग्लास से कवर कर दिया गया, विच इज अनफेयर। ये फोटो खिंचवाते मेरे बाबू शो ले ली खाना खा लिया मेरे बाबू। तो भाई हमारा गाइड मस्त है एकदम, युगांडा से जो हमने बुलाया है। तो भाई इनको ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने आज तक रेड फोर्ट का नाम सुना है रेड फोर्ट, और यहाँ पर आके बहुत सारा परिसर इसका व्हाइट है, जैसे कि वो पीछे से इसको व्हाइट कर दिया, बताओ हद हो गई। तो मैं बता रहा हूँ जो शाहजहाँ था वो रेड एंड व्हाइट सिगरेट पीता था, तो इसलिए उसने इसको रेड करा दिया। बट द हेल इज दिस मैन, ये सबके ऊपर एंट्री इन्होंने बंद कर दी, पहले हम इसके ऊपर चढ़ जाते थे।
हम इतिहास की खोज में थोड़ा सेंद मार देते हैं इतिहास के अंदर। एक कमरा दिख रहा है लोगों को। पहले हम आते थे इसके ऊपर चढ़ के पूरा इसको एक्सप्लोर करते थे रेड फोर्ट को। ये जो इसके बीच में यहाँ पे पानी आता था उस साइड से पीछे की साइड से यमुना नदी से, और अब इस पर चढ़ने नहीं दिया रहा। ये तो बहुत अनफेयर है। जो बैठे है ना गार्ड अंकल तुम्हारे तो भाई यह है खास महल। इसके तीन पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है और जानवर हाँ भाई मुझे बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि हिस्ट्री ऐसे कैसे नीचे से कोई हिस्ट्री देख के चला जाएगा भाई। तो भाई ये जो पूरे आपको नाले से दिख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये वहाँ से ना पानी आता था यमुना नदी से, ये पूरा पानी यहाँ से जाता हुआ और वहाँ के अंदर जाता हुआ और पूरा ये पूरा पूरा शावर से फाउंटेन चलता था यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बंद कर दिया है यहाँ पे चढ़ना। पहले लोग चढ़ जाते थे, हम भी चढ़ के देख के जाते थे। भाई ये है हमाम खाना, यानी कि जहाँ पे उनकी लुगाइयाँ नहाती थी लोग भी नहाते थे। भाई मजा नहीं आया मुझे रेड फोर्ट में आके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सब तो बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने कहीं भी नहीं चढ़ने दे रहे यार। चढ़ने छोड़ो, सब बंद कर सब दिया, बंद कर रखा है। पहले बंदा नहाए तो नहाए कहाँ, बाथरूम बंद कर रखा है। पहले कुएं की मैं एक क्विक मतलब एक ड्रामेटिक हिस्ट्री बता देता हूँ मैं जो मुझे रजत ने बताई थी। तो भाई जिस किसी को पहले पुराने जमाने में उसका प्यार नहीं मिलता था तो वो लड़की और लड़का इस कुएं में आके कूद के सुसाइड कर लेते थे। तो ये भग भी जाते थे, वो रास्ता देख रहे हो, वो देख रहे हो छोटा सा वो, अच्छा वो रास्ता है भगने का वहाँ से। अच्छा भग जाते थे तो वहाँ से भग जाते थे। तो भाई ये हमारे टूरिस्ट हैं दोनों। हाँ जी, इसका इतिहास बता चल मुझे कुएं का थोड़ा। इस कुएं में कूद के देखो तुम्हें फ्रेश फील होगा एकदम, ताजा ताजा महसूस होगा तुम्हें। अच्छा तुमने ट्राई करा था क्या? नहीं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं एहसास तो उसी को होता है ना जो गया हो। मैंने सब चीज ट्राई कर चुका हूँ, पहले सब खुला था यहाँ पे, बाथिंग सिस्टम भी अच्छा था बड़ा इनका। अच्छा। सावन लग रहे थे कांटे पहले और क्या। लाल किला में आने का मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा, सिर्फ आओ पार्क में घूमो। वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जहाँ पे आर्कोलॉजी की पढ़ाई होती है, स्टिल कॉलेज है वो एक तरह से, आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया का। हाँ तो वो आर्कोलॉजिकल इंडिया का कॉलेज है और वो रेड फोर्ट का परिसर है। यहाँ पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, बताओ ये तो हैरानी वाली बात है भाई। अगर कोई आएगा इतिहास देखेगा नहीं तो क्या जानेगा। पार्क तो हम अपने घर में भी देख लेते हैं, पानी चलता था पता आपको। ये और ये इसके पीछे जस्ट इसके पीछे यमुना नदी है, बट अभी रोड बना दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। बताओ हम बताओ हम इसके लिए क्या टूरिस्ट गाइड करते हैं। तो भाई रेड फोर्ट में अब बस यही है, बाहर से देख के चले जाओ, अंदर से देख लो, बात सब एक ही है। और ये इनके अय्याशी के अड्डे। गाइस हमें ठगा गया, हमें लूटा गया, पचास रुपए लूट लिया गया हमसे। बताओ नॉट फेयर। पहले मस्ती वाला लेने वाले 50 रुपए में एक शिकंजी आती इतनी मस्त, और क्या अंदर एनर्जी आती शिकंजी पीने के बाद, ठंडी ठंडी सब इस सारी धूप में। और सबसे बड़ी अगर कोई रेड फोर्ट में आ रहा है वो देखने के लिए तो आ रहा है, वो यहाँ टहलने थोड़ी ना आ रहा है। चीजें ब्लॉक कर रखी है तो देखें क्या, कहीं भी नहीं चलने दे रहे, गार्ड भी बैठा रखे हैं। पहले हम आते थे साढ़े तीन सौ रुपए की टिकट है इनकी, 550 ब्रो, 550 की टिकट, 650 बताओ। हद है यार, हद है। ये देखो जफर महल, जफर के यहाँ पे पार्क में पड़ा रहता था ये रहना जफर महल। भाई जब रेड फोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रहता था तो ज्यादा अच्छा था और लोगों को हर जगह उनको एक्सेस होता था चढ़ने का जाने का। बट अभी इसको थोड़ा मोनेटाइज और मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का एरिया बना दिया है। साफ सुथरा तो पहले भी ऐसे ही रहता था, मैं तो आया हूँ एक दो तीन बार आया हूँ। बट अभी यहाँ पे क्या किया है, रेस्टोरेंट बना दिया है, म्यूजियम बना दिया है, आर्ट एंड कल्चर फंक्शन हो रहे हैं, तो इट्स लाइक इसको मनी रेवेन्यू कलेक्ट करने का सोर्स बना दिया है। अगर आप रेड फोर्ट आने वाले हैं तो भांजे भांजे की संगमत आई है, सेटिंग की संग आई है चैटिंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ तो बड़े टूर वाले टूरिस्ट वाले दिख रहे हैं, मतलब बड़े ग्रुप वाले यहाँ पे, या तो फैमिली वाले दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आबादी है यहाँ पे निब्बा निब्बी है। हाँ। आस पास थोड़ा कैमरा घुमाओ जरा, कैमरा मैन कैमरा दिखाओ जरा थोड़ा सा आसपास घुमाओ। ओ भाई ये बोल रहा है दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, इसको नहीं पता इट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल ओयो रेस्टोरेंट। क्या कांड कर रखे हैं। अच्छा ये तो भाई यू है सेटिंग की निशानियाँ। सेटिंग किसी
अच्छा राहुल भी है अच्छा 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 ओ ब्रो 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 व्हाट अच्छा देखे तेरे अम्मा बाबा का नाम तो नहीं लिखा क्या पता तेरे अम्मा बाबा भी आए हो कभी तो तो भाई यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की गई है क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं लाइक अस तो यहाँ पे अमित सुमित राहुल सुरभि शुभम रेशमा फरा टिंकू जिया नहीं है ब्रो जो हमें रेड फोर्ट बाहर से दिखता है अच्छा सा सुंदर सा लाल सा और ये अंदर कुछ ऐसा है लाइक दिस अंदर से वाइट है भाई ब्रो गाइस ये रेड फोर्ट ना पूरा चेंज हो गया है व्हेन आई वाज किड और व्हेन आई वाज इन कॉलेज जब ये कॉलेज में थे तो मैं कई बार आया ट्रांसलेशन कर रहा हूं इंग्लिश में बोलेंगे तो जब मैं कॉलेज में था और जब मैं विद्यार्थी था स्कूल इंग्लिश में बोलो तो अच्छा यू शुड स्पीक इन इंग्लिश आई कैन रीड इन हिंदी आई यूज्ड टू विजिट रेड फोर्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक प्लीज ब्रो प्लीज हम हिंदी में बोल सकते तो भाई ये पूरा ऑलमोस्ट चेंज हो गया है अब यहाँ पे खाने की व्यवस्था कैफेटेरिया बना दिया अंदर की साइड ही और यहाँ पे कुछ फॉरनर ट्राई कर रहे हैं अपन लोग तो खा के आए हैं तो ये म्यूजियम है इस साइड तो भाई मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ अभी मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट देखा यहाँ पे लोग आ रहे हैं खाना वगैरह ले रहे हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा लिटरली एक बाइट करके वो डस्टबिन में फेंक रहे हैं आई थिंक उनको एक बार एक छोटा सा एक अगर 10-12 लोग हैं तो वो थोड़ा सा खरीद ले फिर उसके बाद अच्छा लग रहा है तो खा ले नहीं लग रहा तो मत खाएं बट इतना सारा बल्क में लेके वेस्ट कर रहे हो आपको पता है लोग आज तक लोगों ने बर्गर नहीं खाया तुम इंडिया में कितने लोगों ने और तुम वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर पड़ेगा घर से ही बर्गर खा के आ रहा है भाई अगर आप लाल किला नहीं आए ना अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा आपने जिंदगी अपनी ऐसी तैसी कर ली बैठे क्योंकि आपने लाल किला क्योंकि आपने लाल किला नहीं देखा क्योंकि ये रेड एंड व्हाइट हो चुका है कि सब अपने आप को यहाँ पे आके लाल कर देते हैं देखो पूरा लाल हो जाएंगे काले फिर कुछ देर बाद एकदम कोल्ड में जाएंगे फिर काले पड़ जाएंगे तो वो ब्लैक एंड रेड हो जाए भाई हम अब इसके अंदर करते हैं एंट्री है म्यूजियम जिसका कि कोई टिकट नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये संयुक्त भाई इसके अंदर करते हैं एंट्री और ये 9:30 AM to 5 PM तक है और मंडे क्लोज रहता है तो भाई यह है आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एरिया और यह म्यूजियम है ये आज लास्ट डे है इसका 31st of March इसका लास्ट था तो ये आज लास्ट है देखिए भाई क्या क्राफ्ट बना रखा है वाओ सामने जाना है मामा सामने जाकर ठुक जाओ ओ ब्रो हम ठुक जाएंगे भाई अच्छा बना रखा है अब तो भाई ये इधर खींच रहे हैं शानू की फोटोग्राफर इसका भाई और ये भाई अच्छा थीम दे रखा है आपको वीडियो में तो बड़ा लग रहा है पर ये छोटा सा पार्ट है इसको और ये मिरर में है तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ा लग रहा है और ये अपन तीनों आ जा भाई ये हम तीनों हैं यहाँ पे हमने आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एग्जीबिशन देख लिया है ये इसकी आज लास्ट डेट थी 31st March और अब हम चलते हैं आगे की साइड और यहाँ पर भाई ह्यूमिडिटी सफोकेशन गवर्नमेंट साइंस सेंटर न्यू दिल्ली का मिनिएचर बना रखा है इसमें भी कभी जाएंगे दिखाएंगे आपको यह है महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज पुणे का मिनिएचर ये अपनी ये पुरानी पुरानी वाली बिल्डिंग है अपनी आई हूँ और इंगेस ही दिखा देता हूँ इंगेस ये नई वाली है अब ये सौतेली होगा ये जब भाई ये क्या चीज़ है ये है टाउन हॉल तमिलनाडु का गर्मी प्रकाश छाया तो भाई ये भी एक अलग ही पता नहीं ये बना रखा है शैंडलियर कपड़े का शैंडलियर है भाई ये इसमें तुम ये तो हम खुद भी बना सकते हैं ये वाला तो यार खींचो इसमें तो भाई हैंडमेड क्राफ्ट है कुछ लाइक पुराना कपड़े से बनाया हुआ है और ये बैंगल्स ये क्या चीज़ है अरे वल्लभ दास रेजिडेंस ऑफ अहमदाबाद तो ये अच्छा तेरा था ये इन योर ड्रीम्स सपने में APJ साइंस सिटी पटना बिहार ये भी जाए बस और ये क्या है ये भी बिहार में देखियो छोटी छोटी सी हैंड क्राफ्ट कर रखा है और बहुत प्यारे रजवाड़ शैली होती है ये रजवाड़ या रजवाड़ तो भाई एक्चुअली ना लोगों ऐसे ना स्ट्रेट ब्लॉक नहीं करके खड़े होना चाहिए तो भाई ये हमारा ज़ारा मॉडल दे रहा है अपने पोज और एक जिसमें तुम्हारा बम दिखे थोड़ा उसको इफेक्ट देना भगवान ने दिए हैं तो यस ब्रो यस यस यू आर डूइंग वेल जहाँ भी भाई को वो कर दो कंपनी कर दो
यस कुछ ऐसे वैसे देना, वो लेट के जो एस्थेटिक सा होता है तो भाई वो एस्थेटिक जो फोटो एडिट नहीं होता एक बारी वायरल, जो एक लड़का पानी पे यूं लेटा हुआ था, कभी यूं कभी यूं बना शानू। अब बना क्या बनाना चाह रहे? तो भाई ये शानू बनेगी पजल सॉल्व करने वाली है शानू। रेफरेंस ये तो रही, तो भाई ये ऐसा कुछ बनाना है और अभी शानू बना रही है। लेट चेक के कितने टाइम में बना देती है। एक्चुअली ना ये बन नहीं सकता क्योंकि इसके हैंडल नहीं है तो ये मूव नहीं हो पा रहे, तो पजल सोल्व नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली पजल ही रहेगा। तो भाई ये है पेंटिंग, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, और ये मछलियाँ जो पानी में जा रही है आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ये है माँ नर्मदा जी की कहानी और इसको जो बनाया है वो गया है सर सुखदेव मारवाड़ी ने। व्यायाम अब यहाँ पे योगा करेगा, ब्रीथिंग, क्योंकि इसके इसके ब्रीथ में ना थोड़ी सी वो हिस्टोरिकल वो घुस गई हैं, तो यहाँ पे सब निकाल के जाएगा वापस से, कुछ नहीं लेके जाएगा भाई कोई, सब वापस दे के जाना है यहाँ पे, कुछ नहीं लेना उधार, किसी का नहीं रखते हम, लाल किले का भी नहीं रखेंगे, सब वापस यहीं पे। भाई फोटो वगैरह क्लिक कर ली यहाँ पे हमने, और क्या मौसम आया है, कौन कौन अपनी गर्लफ्रेंड को लाया है, वाह 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 वाह। रेड फोर्ट गया तेल लेने, रेड फोर्ट घूमो या मत घूमो, यहाँ के म्यूजियम घूमो, यहाँ पे खाओ पियो, यहाँ के संग्रहालय देखो, रेड फोर्ट पार्क में बैठे रहो आराम से, यस सो जाओ पार्क में, नींद आ रही है सो जाओ। तो भाई ये शाम का कुछ मौसम ऐसा हो रहा है, 5 बज चुके हैं, शाम भी बहुत। तो भाई इसके अंदर है फोटो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, मतलब की सब कुछ बदल गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। ये है अपने देश की महारानी रानी लक्ष्मीबाई, लंदन आई में जाएगी भाई, लंदन आई बोला, पेरिस विल, पेरिस के तौर पे पेरिस नहीं बोला तूने, पेरिस ही बोला है, नहीं लंदन आई में जाएगी, रेड फोर्ट के बाहर खड़ी है। रेड फोर्ट में आके कुछ नहीं दिखा भीड़ के सिवा, डिसअपॉइंटमेंट हाई लेवल की है, बट यू नो ना हम एंटरटेनमेंट क्रिएटर है, वी आर क्रिएटर, तो हम एंटरटेनमेंट कहीं से भी निकाल लेते हैं, ईंट में से निकाल लेते हैं, पानी में निकाल लेते हैं, टट्टी में से निकाल लेते हैं, सब में से निकाल लेते हैं, हमने एक मछली पानी से निकाल ली, एक मछली पानी में गई द पैक। तो भाई ये है रेड फोर्ट के अंदर बनाए गए कैफे, अब हम इस कैफे के अंदर जाएंगे। तो भाई ये इसके अंदर का है कैफे, कैफे दिल्ली हाइट्स, तो ठीक है बजट फ्रेंडली कैफे है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और थीम अच्छा दे रखा है इसको। हाँ ये रजत लगा हुआ है क्यू में, क्यू बहुत लंबा है इसका, तो रजत वेट कर रहा है। तो भाई मैं इसका ना कैफे का आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल प्राइस है, अगर आप आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका प्राइस चेक करके आना। और ये कैफे का नाम है दिल्ली हाइट्स। ओ भैया हम ये आपको दिल्ली हाइट्स कैफे का एक बार ही आपको सिटिंग एरिया दिखा देते हैं इसका, ये पूरा ये है इसका सिटिंग एरिया, और पूरा इसको ओल्ड यानी हिस्टोरिकल थीम दिया गया है इसको, और वाइफ सच्चे भाई एसी वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पे, ऑल द ओपन है बट इसको कर रखा है अच्छे से, वेंटिलेशन वगैरह ठीक है यहाँ का, और ये पूरा उस साइड भी है। तो हम अब देखते हैं हम किस साइड बैठेंगे, अभी हम यहाँ कैफे में आके बैठे हैं, तो यहाँ पे ये कैफे का थीम ऑल ओवर ऐसा है कुछ, और ये एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ देखी, ये पूरा लैंग्वेज साइन है और इनको टच करना मना है, तो मैं दिखा देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, सारी लैंग्वेज को टपका रखा है इन्होंने। हम अमाही संस्कृत में भी, तो आई थिंक इसका हम ही होगा भाई, अगर कोई मेरे ब्लॉग देख रहे हैं लैंग्वेज वाले तो मुझे बता देना क्या क्या लिखा है यहाँ पे, लेट मी नो। तो भाई ये मेरा भैया लेकर आया अपने लिए शेक, मेरे लिए मैं एक मोहितो और एक शानू के लिए ओरियो शेक, और ये पाव भाजी मंगाई है क्योंकि हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम खा के आए थे ऑलरेडी घर से, और अभी यहाँ पे टेस्ट करके बताएगा हमारा भैया। हाँ भैया क्या टेस्ट आपको कर रहा है, मोहितो कैसा है? मोहितो टेस्टी है। आपका ओरियो शेक कैसा है? अरे पाव भाजी खा के बता रहा है, हाउ इज़ द टेस्ट? अच्छा नहीं है। तो भाई इसकी जो मैं कॉस्ट एक बार बता देता हूँ, जो पाव भाजी है ये 75 rupees की है, और ज़्यादा महंगी नहीं है जिस हिसाब से एक हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर इतना अच्छा है हेरिटेज थीम का रेस्टोरेंट बना रखा है दिल्ली हाइट, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर भाई। बाकी रेड फोर्ट ट्रिप गया तेल लेने, ये कैफे वैफे और घूमर भाई मजे लो। तो भाई हमने दिल्ली हाइट कैफे में
इवनिंग स्नैक ले लिया है क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ इवनिंग स्नैक ले लेते हैं। और अब चलते हैं बाहर की साइड और जो लाल किला के बाहर मेला लग रहा है वो दिखाते हैं आपको और थोड़ा उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये लाल किला जो है ना, लाल किला तो यहाँ पे आपको देखने को एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट ये परिसर ही है जो पहले दिखाते थे ना एक तरीके से कि हाँ भाई आप वहाँ पर चढ़ के जाते थे, पूरी हिस्ट्री बताई जाती थी, कहाँ रोशन आरा बैठती थी, कहाँ जहाँ जहाँ आरा बैठती थी, कहाँ मतलब कि शाहजहाँ की दोनों बेटियाँ कहाँ शाहजहाँ बैठा था, बट वहाँ पे आप जाने नहीं दिया जाता। बट अब इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, यहाँ पे आप आइए खाइए पिए और जाइए, पैसा खर्च कीजिए। टोटल बना के मैं नहीं पैसा हुआ है। नरूटो नरूटो फैन है दोनों, यहाँ पर कुछ नरूटो के लिए ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ना सामान ज्यादा महंगा नहीं है, एक कैब जो है 150-150 रुपए की है और वर्थ इट है गाइस। तो हम अब रेड फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, खा पी लिया है हमने, थोड़ा बहुत जो भी घूमने को मिला घूम लिया। क्लोज इसलिए करते हैं कोई इसमें अपने गर्लफ्रेंड को डाल कर उड़ाना दे जो अपने गर्लफ्रेंड से परेशान हुआ। तो मेरे इंट्यूशंस कहते हैं पुराने जमाने की है, लोहे की है गधे। तो भाई ये गोले होते थे पहले, गोले दागे जाते थे, इसको बेल्ट कर दिया गया गोले को पूरी तरीके से। अरे ये आयरन की है, आयरन। तो भाई रजत इसको लेके जाएगा, रजत बहुत परेशान है, बहुत सारे लोगों ने इसकी जिंदगी अजाब कर रखी है, अजाब। अपने मामा को कोई ऐसे उड़ाता है भाई, बात नहीं चाहिए। किला घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं, इस साइड लग रहा है मेला लाल किले के बाहर, तो इस मेले में जाते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, मेले को झूले वगैरह झूलते हैं। चेकिंग बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी चेकिंग। ये आइसक्रीम, ये पुदीना, ये जलजीरा। भाई हम यहाँ से पियेंगे जलजीरा थोड़ा सा। भैया पहले एक गिलास लेते, भैया एक गिलास देना। कितने का है भैया? गाइस यहाँ पे मिल रहे छोले भटूरे और वहाँ मिल रहे चाउमीन और ये झूले वगैरह। भाई मोहल्ला तो सही लगा हुआ है भाई, खाना बाद में खाएंगे, पहले झूल लेते हैं, नहीं तो सब बाहर निकल जाएगा जिंदा। भाई अब हम ये वाली राइड लेंगे, शानू शीनू और मैं, हम दोनों लेंगे रजत। तो इसका जो टिकट है मैं दिखा देता हूँ, 80 रुपीज़ पर हेड टिकट है। पहले मैं सोच रहा था उस लंडन आई में बैठने के, बट वो बंद पड़ा है। भाई ये वोटिंग सेक्शन में बना रखा है, लाल किले के बाहर जो मेला लग रहा है उसमें, और कितना प्यारा बना रखा है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, इनके ऐसा गिर जाता है तो वो डूबेंगे नहीं। और ये भूत बंगला इस साइड। तो भाई मेला सही लगा रखा है, छोटा सा और मस्त था। तो भाई हमने टिकट ले लिया है, भाई हम इस झूले के अंदर बैठ चुके हैं, डर के आगे जीता के नहीं, ये डर के आगे उल्टी हो गया। डिसाइड करा है इसकी चोटी पे बैठने का, यानी कि बिल्कुल पीक पर। हम गहराई में नहीं बैठेंगे, हम अपने डर पे काबू करना चाहते हैं, हम तीनों को हाइट से फोबिया है। हाँ तो भाई लोग नीचे बैठे हैं और ये सारा खाली पड़ा है आइटम, और अपन तीनों बैठे हैं इधर क्योंकि हम तीनों बहादुर हैं, बहादुर बच्चे। और जब उतरने का हालत होगी बहादुर बच्चों की वो भी दिखाओ। भाई हमारी राइड चालू हो चुकी है और हमारा झूला जा रहा है ऊपर। भाई वो अपने 80 रुपए देकर अपनी पटवाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई ये छोले भटूरे चाउमीन और अभी इसका भाई लेकर आ रहे टिक्की। भैया हमारे लिए है अपनी टिक्की। आज का हमारा ये था छोटा सा ब्लॉग जिसमें हमारे रेड फोर्ट घूमने, हमने देखा मेला लाल किले के बाहर और हमने करी लाल किले के अंदर मस्तियाँ और तपड़ीबाजी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर के करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताने चाह रहा था, मैं वहाँ पर भूल गया बोलना, तो वो चीज़ ये थी कि अगर आप किसी मेले में जा रहे हो और आपको खाना खाने की आदत नहीं है तो प्लीज़ मेले का खाना मत खाइए, क्योंकि मेरे मेले का खाना खा के अभी से ही हालत ख़राब हो रही है।
ऑल्दो मैं व्लॉग का एंड कर चुका हूँ बट ये एंड कर दिया मैंने मैंने कान पकड़ लिया ऐसे अनहाइजीनिक फूड अब नहीं खाऊंगा लाइफ में आज मेरा लास्ट था मेरे से मेरा हालत खराब हो गया अजीब लग रहा है मुझे रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों खाया।